वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ अनन्या। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एक फन वीडियो है एंड एक चैलेंज है, जिसे आप टाइटल लेके समझ चुके होंगे। सो आज मेरे वीडियो का टाइटल है किस द चॉकलेट चैलेंज। सो इसका मैं सिंपल रूल बता देती हूँ। मुझे बहुत सारे चॉकलेट्स मिलेंगे, मैंने अपनी बहन और मम्मी को भेजा था मार्केट कि आप चॉकलेट्स लेके आओ बट मुझे मत बताना। तो उन्होंने चॉकलेट्स लेके आए, मेरे लिए छुपा के रख दी थी फ्रिज में एंड मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से चॉकलेट्स वो मेरे लेके आए हैं। सो मुझे ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, मतलब मैं खुद ही ब्लाइंड फोल्ड करूँगी अपने आप को। फिर उसके बाद मुझे पीसेस मिलेंगे चॉकलेट के, जो मेरी बहन मुझे खिलाएगी, जो कैमरे के पीछे बैठी है अभी, तो वो मुझे खाना पीसेस ऑफ चॉकलेट देगी एंड मुझे उसको टेस्ट करके मुझे उसको गेस करना है कि कौन सा चॉकलेट है वो। एंड यस, जितने भी मैं चॉकलेट गेस करते जाऊँगी तो उसके पास नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि जितने भी मैं गलत गेस करूँगी उन सबके पॉइंट्स ऐड होंगे एंड वो सब पॉइंट्स ऐड होने के बाद एट द एंड उसके मुझे जितने भी पॉइंट्स होंगे उतने ग्रीन चिलीज और रेड चिलीज जो भी घर पे अवेलेबल होगा उसको मुझे खाना पड़ेगा। एंड गाइज ट्रस्ट मी, दोज चिलीज आर द स्पाइसेस्ट एवर आई हैव ईटन। वो मेरे घर का गार्डन का है ग्रीन चिलीज, आई मीन वो चिलीज, एंड बहुत ज़्यादा तीखा है गाइज, तो मुझे उसको खाना पड़ेगा। सो मैं ट्राई करूँगी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गेसेस में कर सकूँ। सिंस आई हैव नो नॉलेज अबाउट कि कौन कौन से चॉकलेट्स मेरे मम्मी या मेरी बहन मेरे लिए लेके आए हैं, चूज़ किए हैं। सो मैं ब्लाइंड फोल्ड रहूँगी एंड आई हैव टू गेस इट। सो होप सो कि मैं सब गेस कर सकूँ। अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव। बट यस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स मूव। सो अभी मुझे ब्लाइंड फोल्ड होना है एंड मेरे पास अभी कुछ था नहीं, मिला नहीं मुझे, तो मैं चुन्नी ले आई, वो भी मम्मी का चुन्नी, एंड अभी मुझे उसको अपने आप में लगा के ब्लाइंड फोल्ड होना है। गाइस नो चीटिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ चीटिंग। मैं ब्लाइंड फोल्ड हो चुकी हूँ, मुझे आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है। इवन मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से चॉकलेट हैं, कितने चॉकलेट से, वो भी नहीं पता मुझे। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी मैं ब्लाइंड फोल्ड हूँ, मेरी बहन कैमरा के पीछे बैठी है एंड वो मुझे पीसेस ऑफ चॉकलेट खिलाने वाली एक एक करके, एंड उसको मुझे कोई आंसर अभी नहीं बताना है, उसको वो मुझे एंड में एक साथ सारे आंसर बताएगी कितने मैंने सही गेस किए हैं, कितने मैंने गलत गेस किए हैं। सो क्या करूँ, फर्स्ट अच्छी मंच है, ये पर्ल कलर, ये तो पक्का टेस्ट कर रहा है। रुको चौमा खत्म नहीं हुआ, कंफ्यूजन है इसमें, ये स्निकर्स हो सकता है या फिर फ्यूज हो सकता है या फिर फाइव स्टार हो सकता है, पर फाइव स्टार इतना बड़ा नहीं होता। आई थिंक ये कंफ्यूजन, आई गो विथ फ्यूज। स्निकर्स का थोड़ा यम्मी रहता है और क्रीमी रहता है उनका। भाई चॉकलेट का टेस्ट मिक्स हो गया तो पता ही नहीं चल रहा है। बहुत इजी है, फाइव स्टार, नहीं फाइव स्टार नहीं, ये बॉन्टी कोकोनट वाला जो ब्लू कलर के रैपर में आता है, इसको कैसे गलत पहचान सकते। इसको बचपन में इतना खाया है ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट था ये। स्टार्टिंग में फाइव स्टार तो लगता है बट बाद में इसका टेस्ट पता चल जाता है। ओके, सेवन्थ वन।
ये 5 star है, ये पक्का 5 star है। क्यों वो खत्म नहीं हुआ? खत्म गले से उतर ही नहीं रहा। ये क्या है? ये है डेरी मिल्क क्रैकर्स। नहीं नहीं क्रैकर्स नहीं, डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट, वो जो भी डेरी मिल्क का ही है, डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट। शुक्रिया। ये मिल्क की बात है, मैंने उस टाइम कुछ गलत किस कर लिया है? ये मिल्क की बात है। ये मैं श्योर बोल सकता हूँ, शुक्रिया, मैंने पहले गलत किस कर दिया है। ये तो मैं चुटकी में बता सकती हूँ, अमूल बिंदास, हमें कुछ दिन पहले ही खाया था इसको, मैं घर के जाकर बगल वाली दुकान में मिलता। मैंने खा लिया है अराउंड 12 चॉकलेट्स थी टोटल, एंड मैंने उसमें से पता नहीं कितने गेस किए हैं, मेरी बहन बताएगी। आज अब आप बता कितना चॉकलेट्स है, बैठो। टोटल 12 चॉकलेट्स थे और एक चॉकलेट गलत हुआ। कौन सा चॉकलेट गलत बोला? फिफ्थ वाला गैलेक्सी। गैलेक्सी ना, मैं ट्रस्ट में, मैं गैलेक्सी सिर्फ एक ही बार खाई हूँ आज तक, और मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी याद नहीं था, तो बस मैंने समझ नहीं आया मुझे कौन सा चॉकलेट हो सकता है, तो मैंने बस एक गेस लगाया, एंड मतलब मैंने सिर्फ एक ही रॉन्ग बोला है, या बढ़िया, तो मैंने सिर्फ एक ही रॉन्ग बोला है, तो मुझे सिर्फ एक ही रेड चिल्ली खाना पड़ेगा। होपफुली मैंने 11 के 11 सही बोले हैं कि पी, तो मैं बच गई इस बार, बट एक रेड चिल्ली खाना पड़ेगा मुझे, सो एज अ पनिशमेंट। सो जो उसने मुझे इतनी बड़ी रेड चिल्ली दी थी, अभी मुझे उसको एक बार में ख़त्म करना है, एंड बीच में कोई पानी भी नहीं पीना है, बस इसको ख़त्म करना है। सो हियर आई गो। बहुत तीखा है। अभी भी मुंह जल रहा है। तो गाइस मैंने वो रेड चिल्ली खा लिया, एंड इतना तीखा था वो, मैंने उसके बाद मैं सोची थी कि पानी नहीं पीऊंगी, कुछ नहीं, उसको ऐसे ही रेजिस्ट करूंगी, बट वो इतना थी
सीखा था कि मैंने उसके बाद दो तीन और चॉकलेट खा लिए एंड पानी भी पी लिया, फिर भी मेरा मुंह बहुत ज़्यादा जल रहा है, आई से आंसू भी निकल रहे, मेरे बोलना भी नहीं हो रहा है, बहुत तीखा था गाइस। मैं लकी थी कि सिर्फ मेरा एक गलत हुआ, वरना मैं अगर दो तीन खा लेती तो शायद आज पता नहीं क्या हो जाता। पर स्टिल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको थम्स अप देना, एटलीस्ट मेरे इस मेहनत के लिए इसको थम्स अप देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो जब तक मेरी नई वीडियो नहीं आ जाती है तब तक के लिए गुड बाय।